जरा सोचिए, इस ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन से भी ज्यादा सितारे हैं और हर सितारे के अपने ग्रह हैं। सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही लगभग 1 से 3 ट्रिलियन ग्रह मौजूद हैं। ये नंबर आश्चर्यचकित करने के साथ साथ ये सवाल उठाता है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं? यही सवाल हमें ले चलता है फर्मी पैराडॉक्स की तरफ। फर्मी पैराडॉक्स एक ऐसी चकित कर देने वाली पहेली है जो एक आश्चर्यजनक विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्शन के इर्द गिर्द घूमती है। एक ओर जब हम अपनी आकाशगंगा की विशालता और उसमें मौजूद अनगिनत तारों और ग्रहों पर विचार करते हैं, तो कहीं न कहीं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन या एलियन की मौजूदगी या एलियन के मौजूद होने की संभावना अविश्वसनीय रूप से अधिक लगती है। फिर भी दूसरी ओर हमें इन सिविलाइजेशन या एलियन के कोई भी ठोस सबूत या ठोस संकेत जैसे रेडियो सिग्नल या वास्तविक संपर्क अभी तक नहीं मिले हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन पृथ्वी से दूर इंटेलिजेंस लाइफ की संभावित एग्जिस्टेंस के बारे में हमारी फंडामेंटल एजम्पशंस को चुनौती देती है। इस कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास का नाम प्रसिद्ध फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने एक बातचीत के दौरान प्रसिद्ध रूप से एक मार्मिक प्रश्न पूछा था, वेयर इज एवरीबॉडी। संक्षेप में उनके पूछने का तात्पर्य ये था, यदि ब्रह्मांड इतना विशाल है और वहाँ इतने सारे तारे हैं, तो सभी इंटेलिजेंस बीइंग कहाँ हैं? हमने उन्हें क्यों नहीं देखा या सुना? तब से यह सरल लेकिन गहन प्रश्न फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। दरअसल अगर देखा जाए तो ये सवाल सिर्फ फर्मी का ही नहीं बल्कि हम में से काफी लोगों का है। ये सवाल उठाने के कई कारण हैं, जिनकी हम अब बात करेंगे। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल सिविलाइजेशन हाई प्रोबेबिलिटी। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। अकेले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही अनुमानित 100 से 400 अरब सितारे हैं। इनमें से प्रत्येक सितारे में अपने स्वयं का प्लेनेटरी सिस्टम रखने की क्षमता है। जब आप सितारों की इस विशाल संख्या को ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब गैलेक्सीज की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको सितारों और ग्रहों की एक आश्चर्यजनक संख्या मिलती है। इनमें से जो ग्रह सौर मंडल के बाहर दूसरे सितारों का चक्कर काटते हैं, उन्हें हम एक्सोप्लेनेट्स कहते हैं। इन सब एक्सोप्लेनेट की इतनी बड़ी संख्या में जीवन की मौजूदगी बहुत संभावित सी बात लगती है। ये एक्सोप्लेनेट्स अलग अलग तत्वों से मिलकर बने हो सकते हैं और इनमें से बहुत सारे ग्रह लाइफ कंडीशन के लिए एकदम सटीक एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एक्सोप्लेनेट्स अपने सितारों के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित हैं। किसी भी सितारे का गोल्डीलॉक्स जोन वह क्षेत्र होता है जहां लिक्विड वाटर मिलने की संभावना होती है, जो किसी भी प्रकार जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अलावा जीवन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में हैं। ये एलिमेंट्स तारों में प्रक्रियाओं के माध्यम से बनते हैं और अंतरिक्ष में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इन सब कारणों की वजह से कहीं न कहीं हमें उम्मीद हो जाती है कि इस ब्रह्मांड में हमारे अलावा और भी जीव हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रोबेबिलिटी के लिए कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं, एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी मौजूद है जिसे हम ड्रेक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। यह इक्वेशन साइंटिस्ट फ्रैंक ड्रेक द्वारा 1961 में प्रस्तुत की गई थी। इस इक्वेशन ने मिल्की वे में प्रेजेंट इंटेलिजेंट और कम्युनिकेटिव एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल सिविलाइजेशन की संख्या का अनुमान लगाने का प्रयास किया है। यह इक्वेशन तारों के रेट फॉर्मेशन, तारों के चारों ओर ग्रहों की व्यापकता और उन ग्रहों पर जीवन के उभरने की संभावना आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखती है। ब्रह्मांड में लाइफ की मौजूद होने की इतनी हाई प्रोबेबिलिटी के बाद भी अब तक हम एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल जीवन की खोज में असफल रहे हैं। यही कॉन्ट्राडिक्शन फर्मी पैराडॉक्स को जन्म देती है। चलिए जानते हैं कि इतनी अधिक संभावना होने के बावजूद भी अब तक हमारा संपर्क किसी इंटेलिजेंट लाइफ से क्यों नहीं हुआ है। इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिनको अब हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहली थ्योरी है रियर अर्थ हाइपोथेसिस की। इसके मुताबिक जीवन का समर्थन करने में सक्षम पृथ्वी जैसे ग्रहों का प्रेजेंट होना और उसके बाद उस ग्रह पर इंटेलिजेंट लाइफ का विकास होना
ब्रह्मांड में एक बहुत ही दुर्लभ घटना हो सकती है। इस हाइपोथेसिस से पता चलता है कि जीवन के लिए आवश्यक स्थितियां, जैसे कि हमारे सूर्य जैसा एक स्थिर और लंबे समय तक जीवित रहने वाला तारा, प्लेनेटरी सिस्टम को स्थिर करने के लिए एक बड़ा चंद्रमा, एक सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र और कई अन्य कारण होना जरूरी है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो हमारी पृथ्वी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के जटिल संतुलन के साथ इस ब्रह्मांड में एक ऐसी रेयर एग्जाम्पल हो सकती है जिसके जैसी स्थिति शायद ही ब्रह्मांड में किसी और ग्रह पर हो। यह हाइपोथेसिस फर्मी पैराडॉक्स के लिए एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन प्रदान करती है, क्योंकि इसका तात्पर्य है कि इंटेलिजेंट लाइफ के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ ब्रह्मांडीय पैमाने पर अत्यधिक दुर्लभ हो सकती है। अगली थ्योरी है ग्रेट फिल्टर थ्योरी। इसके मुताबिक अब तक हमें किसी बुद्धिमान जीवन का संकेत इसीलिए नहीं मिला है क्योंकि एक महत्वपूर्ण बाधा या फिल्टर हो सकता है जो अधिकांश सिविलाइजेशन को उस पॉइंट तक आगे बढ़ने से रोकता है जहां वे अपने होम प्लेनेट से परिसंचार या यात्रा कर सकते हैं। विचार ये है कि किसी भी सभ्यता के विकास में किसी पॉइंट पर एक चुनौतीपूर्ण बाधा या चुनौतियों का समूह मौजूद होता है जो इतना विकराल होता है कि अधिकांश समाज उसे पार पाने में विफल हो जाते हैं। ये बाधाएं विभिन्न रूप लिख सकती हैं, जैसे कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन या विनाशकारी प्राकृतिक घटना, जैसे कि धरती पर से डायनासोर की विलुप्ति। यदि ग्रेट फिल्टर इंटरस्टेलर संचार या यात्रा से पहले मौजूद है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमने अभी तक किसी अन्य डेवलप्ड सिविलाइजेशन का सामना क्यों नहीं किया है, क्योंकि अधिकांश लोग अपने होम प्लेनेट से परे डेवलपमेंट के उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले इस ब्रह्मांडीय बाधा से रुक गए या नष्ट हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं अगली थ्योरी की, जिसे ज़ू हाइपोथेसिस कहते हैं। ज़ू हाइपोथेसिस फर्मी पैराडॉक्स के दायरे में एक काल्पनिक अवधारणा है जो प्रस्तावित करती है कि हाईली एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल सिविलाइजेशन जानबूझकर पृथ्वी के साथ संपर्क बनाने से परहेज करती है या इसके विपरीत दूर से हमें ऑब्जर्व करती है। ठीक एक जू के समान यह जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखा जाता है, लेकिन सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे ज़ू हाइपोथेसिस कहते हैं। ये परिकल्पना अनुमान लगाती है कि इन सभ्यताओं में हमारे साथ बातचीत करने या खुद को प्रकट करने की क्षमता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने का विकल्प चुना है। इस जानबूझकर हस्तक्षेप न करने के कई कारण हो सकते हैं। एक संभावना ये है कि वे मानवता को बिना किसी हस्तक्षेप के स्वाभाविक रूप से विकसित होने देना चाहते हैं, ताकि वे देख सकें कि हम कैसे विकसित होते हैं और क्या हम अपने दम पर चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि इन सभ्यताओं में एथिकल या मोरल कोड है जो कम विकसित प्रजातियों के साथ हस्तक्षेप को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि वे सीधे संपर्क से होने वाले संभावित नुकसान या नकारात्मक परिणामों से हमारी रक्षा करना चाहते हैं। संक्षेप में ज़ू हाइपोथेसिस से पता चलता है कि पृथ्वी और उसके निवासियों का अवलोकन किया जा रहा है, लेकिन वे ऐसा क्यों कर रहे हैं इसका कारण सिर्फ वे ही जानते हैं। ये तो थी फर्मी पैराडॉक्स की 3 कॉन्ट्राडिक्शन जो इंटेलिजेंट लाइफ न मिलने का समर्थन करती है। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो फर्मी पैराडॉक्स के कॉन्ट्राडिक्शन को समर्थन करता है, और वह है ब्रह्मांड में मौजूद विशाल दूरियों का। इस ब्रह्मांड में सब तारे और ग्रह एक दूसरे से इतने दूर हैं कि किसी भी तरह का संचार करना बहुत ही मुश्किल है। फिर चाहे हम प्रकाश की गति से ही क्यों न संवाद करें, लाइट की स्पीड भी ब्रह्मांड की विशालता में इतनी धीमी लगती है कि उसके द्वारा संचार संभव नहीं लगता। तो दोस्तों, अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।